Hi friend, welcome to my channel Cook and Craft with Snehlata Dubey. आज मैं आपको फाइबर युक्त जूस बताऊंगी ग्रीन वेजिटेबल्स के। इसके लिए मैंने लिया है एक बीटरूट बिग साइज का है, एक बड़ी गाजर, दो टमाटर रफली चॉप्ड हैं सब, और दो खीरा मैंने लिया है, थोड़े से पुदीना के लीव्स। इन चीजों को मैं मिक्सर जार में ग्राइंड करूंगी। अगर ये अच्छे से बारीक ना हो पाए तो आप इसमें 50 ml तक पानी का यूज कर सकते हैं, ताकि इसके जूसेस आसानी से निकल सके और हमारी सब्जियां अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। मैं अपनी पूरी सब्जी ऐड कर दी है। अभी से पहले हम एक बार टर्न अप कर लेंगे, पीस लेंगे, जब जरूरत होगा तब पानी ऐड करेंगे। हमने अपनी सब्जियों को बिना पानी के पीसा है, अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। और थोड़ा सा आप डालिएगा ताकि आपकी सब्जी आसानी से ग्राइंड हो सके। जार बंद करके पोर करेंगे। जो प्यूरी बनाया था भगोना लगा रखा है, और धीमे धीमे हम मैशर की सहायता से इसे प्रेस करके अच्छे तरह से जूस निकाल लेंगे। इस करके हमने अच्छे से जूस निकाल लिया। देखिए इसके गार्बेज बचे हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल, और हमारा जूस काफी अच्छा निकला है, क्योंकि जो छन्नी थी वो मोटी थी, इससे फाइबर बहुत बारीक छन्नी का मैंने यूज नहीं किया था। थोड़ा सा मैं डालूंगी रोस्टेड जीरा पाउडर, और पिंच ऑफ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, आप अदरक भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक नहीं डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाल दी है, और मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी एज पर टेस्ट, और थोड़ा सा नींबू का रस, आधे नींबू का रस ऐड कर दे रहे हैं। अगर आप खट्टे ज्यादा पसंद करते हो तो आप एक का यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं अपने ग्लास में इस वेजिटेबल जूस को सर्व करूंगी। अपने तैयार जूस को पोर करेंगे जग में, ताकि आसानी से ग्लास में डाला जा सके। धीरे धीरे हम पोर कर देंगे अपने जूस को ग्लास में। स्लाइस जो है मैंने पतला सा काट दिया, इससे डेकोरेट कर दे रहे हैं, और पुदीना लीव्स थोड़ा सा मैं ऊपर से पुदीना के कुछ पत्तियों को टियर अप कर दूंगी और उसे डाल दूंगी टियर करके। ताकि ये जूस फ्रेश रहे। स्लाइस जो है बीटरूट का मैंने पतला सा काट दिया, इससे डेकोरेट कर दे रहे हैं, और पुदीना लीव्स थोड़ा सा मैं ऊपर से पुदीना के कुछ पत्तियों को टियर अप कर दूंगी और उसे डाल दूंगी टियर करके। ताकि ये जूस फ्रेश रहे। आप एक बार मिक्स वेजिटेबल के जूस बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे अपने बच्चों को भी पिलाइएगा, ये काफी हेल्दी ड्रिंक है। ग्रीन वेजिटेबल्स का हेल्दी जूस मैंने तैयार कर दिया है। अगर आपको ये जूस बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी एंड क्राफ्ट के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।